काला चश्मा काफी महंगा लगता है। यहां यहां किसका गिर गया होगा? नहीं बचाता तो चश्मा वैसे ही टूट जाता। अरे छोड़ो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहां कुछ ढूंढ रहा हूं। ऐसा क्या ढूंढ रहे हो? तुमसे मतलब? अरे कमाल है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझ पे ही अकड़ रहे हो। जान बचाकर कोई ऐसा नहीं किया। वैसे मैं यहाँ अपना काला चश्मा ढूंढ रहा था, यही कहीं गिर गया है। तुमने देखा क्या? हाँ वो तो टूट गया। अभी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी आई थी, उसके ऊपर से चली गई थी। क्या तुम सच कह रहे हो? एक काम करो, ये तुम 100 रुपये रख लो, नया चश्मा ले लेना। वो चश्मा टूट गया। वो चश्मा टूट गया। नहीं भाई, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। चश्मा तुम रख सकते हो। इसे कैसे पता कि चश्मा मेरे पास है? क्या ये वाकई में अंधा है या फिर अंधे होने का नाटक कर रहा है? अरे सुनो भाई, ये कहां गायब हो? अरे भैया देख के यार, क्या हो गया? साहब इंजन में कुछ खराबी हो गई है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अरे यार, ये लो, वैसे भी मेरा घर यहां से नजदीक है। ठीक है साहब।
देख कौन? इतनी रात में न्यूज़पेपर पढ़? सारे अंधे लोग अचानक कहां से? खाएगा खाएगा, चल चल दोनों मिलके खाते हैं। बचाओ बचाओ, वॉचमैन वॉचमैन बचाओ बचाओ, वॉचमैन अरे गौरव, तू गिरा कैसे और तुझे कहीं लगी तो नहीं ना यार? अरे कैसा सवाल है, आदमी कैसे गिरता है? फिसलने से भाई। कोई बात नहीं गौरव भैया, अच्छे अच्छों की ऐसी हालत होती है, कहीं लगी तो नहीं? हाँ क्या बात है भैया, बहुत ही प्यारा चश्मा है, काफी महंगा लगता है, कहाँ से खरीदा? अजीब बात ही बात, आंखों से चश्मा निकालते ही सारे अंधे गायब हो गए। हाथ मत लगाना। क्यों, मेरे हाथ लगाने से भूकंप आ जाएगा क्या? अरे सुधा सुधा, नहीं रुक रुको, ये तो बड़ा ही अच्छा चश्मा है। अच्छा पहन के तो दिखाओ। नहीं तुम फेंक दो उसे, अरे मुझे नहीं पहनना, फेंक दो उसे, फेंक दो फेंक दो उसे, फेंक दो। मैं क्यों फेंकू, अगर तुम्हें नहीं पहनना है तो मत पहनो, मैं तो पहनूंगी। नहीं सुधा सुधा रुको, जल्दी से बताओ मैं कैसी लग रही हूं? क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? एक थका हारा बूढ़ा आदमी है, वो ये चश्मा मुझसे छीनना चाहता है, कह रहा है कि ये चश्मा क्यों क्यों चुराया? क्या वो अंधा है? तुम भी ना। मेरा पूछने का मतलब ये है कि तुम्हें मेरे अलावा यहां कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे गौरव दिख रहा था जो मेरा पति है। गौरव तुम भी ना। अरे बाबा तुम भी ना, एक बात बताओ, इस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई है? नहीं है ना, तो फिर मुझे कैसे दिखेगा भुद्दू? अच्छा सुनो, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ।
सुधा को कुछ दिखा कैसे नहीं? मतलब क्या वो सब मेरा वहम था? ये लो, ये तुम्हारा टिफिन और ये तुम्हारा बैग। ध्यान से जाना और हो सके तो शाम को घर जल्दी आ जाना। क्यों, कोई मेहमान आने वाला है क्या? नहीं, जल्दी इसलिए आ जाना क्योंकि शाम को मैं तुम्हारा मनपसंद राजमा चावल बनाने वाली हूँ। अच्छा बाबा, जल्दी आ जाऊंगा, चलो भाई। अच्छा सुनो, ओफो, कितनी बार तुमसे कहा है कि पीछे से आवाज मत लगाया करो, अपशगुन होता है। अब तुम कुछ भूल गए हो तो पीछे से आवाज तो लगानी ही पड़ेगी ना। भूल गया? क्या भूल गया? सब कुछ तो है, फाइल्स हैं, पेन है, नोटबुक है, टिफिन बॉक्स है, क्या भूला? चश्मा लो। लगा लो इसे, जब तुम इसे लगाते हो ना तो बिल्कुल हीरो लगते हो। चलो बाय। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है दादा, नया गॉगल? जरा पहनो तो, मैं भी तो देखो आप कैसे लगे। क्या बात है दादा, अरे आप तो पूरे फिल्म स्टार लग रहे हो। इतना बढ़िया गॉगल मिला कहाँ से? कहाँ से खरीदा बताओ तो। वैसे दादा संभाल के रखना है ये गॉगल, कोई चुरा ना ले। दी जल्दी आओ, लिफ्ट आ गई। सॉरी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये सब लोग मुझे इस चश्मे की वजह से तो नहीं दिख रहे? मुझे ये चश्मा चुराना ही नहीं चाहिए था।
सुनेगी? सुनेगी चीजों के अंदर भी कोई बुरी आत्माएं छुपी होती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चश्मे में भी किसी की आत्मा? ये चश्मा फेंक दिया की फर्क पैंदा भाया? वैसे भी इसमें तुमसे ज्यादा मैं डूब लगूंगा। NANTU थैंक यू। फाइनली फोटो। लगता है बेटा नंदू देख फिर से खराब हो गई। चलो सीढ़ियों से जाते क्या हुआ? ये हंगामा किस चीज का है? पता है नंदू की मौत हो गई। क्या नंदू की मौत? कैसे? सुबह तो मिला तो ठीक ठाक था। पता नहीं पर उसने भी वही काला चश्मा पहन रखा था तुम्हारा वाला। ठीक है तुम ऊपर जाओ मैं अभी आता हूँ। मनहूस चश्मे की वजह से तो नहीं हुई? जरूर इस चश्मे में कोई बुरी शक्ति है। अरे तभी तो अनहोनी घटना घट रही है। मैं इस चश्मे को ही हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता हूं ताकि दोबारा ये किसी और के हाथ ना लगे। Yeah.
अपने 20 साल के करियर में मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि व्यक्ति की सोते सोते आंखों की रोशनी चली जाए। दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। ऐसा हुआ है डॉक्टर, और गौरव इस बात की जीती जागती मिसाल है। डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, बीमारी का इलाज करने से पहले उसका कारण जानना बहुत जरूरी है, और जब तक इनके बीमारी का कारण पता नहीं चलता मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए मगर मेरी आंखें लुटा दीजिए, मैं ये घुटन भरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सोच के बताइए, पिछले कुछ दिनों में आपने कोई आई ड्रॉप डाला था क्या? नहीं डॉक्टर साहब। आंखों पर कोई चोट वगैरह? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो हुआ है गौरव जी, तभी तो आपकी आंखों की रोशनी गई है। आप चश्मा लगाते? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी आंखें तो परफेक्ट थी, 6x6। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले ही एक काला चश्मा लाए थे, सनग्लासेस। नए सनग्लासेस? क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं डॉक्टर साहब, वो दरअसल कल रात को ही मैंने तोड़ दिए। क्या? पर मैंने तो... खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ दवाई इनके लिए लिख देता हूँ, इन्हें देते रहिए, 3 दिनों के बाद फिर से मैं इनका चेकअप करूंगा। तुमने तो कहा था तुमने चश्मा तोड़ दिया है। हाँ मैंने चश्मा तोड़ दिया था, तो तुम्हें जुड़ा हुआ कहाँ से मिला? झूठ बोलने की भी एक हद होती है गौरव, आखिर उस चश्मे से जुड़ा ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मेरी बात का यकीन मानो सुधा। नंदू की लाश ने भी वही चश्मा पहन रखा था। वो नंदू को मेरा चश्मा पसंद आ गया था इसलिए वो मुझसे ले गया था, लेकिन वही चश्मा वापस मैंने उससे ले लिया था। तो फिर डॉक्टर से झूठ क्यों कहा? वो चश्मा, दरअसल वो चश्मा मेरा नहीं है, ऑफिस में से मैंने किसी से लिया था, अब वापस लौटाना है। पर अरे मेरे अंधेपन की वजह एक चश्मा नहीं हो सकता। अब छोड़ो इन सब बातों को, मुझे मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खिला दो। चली तो नहीं गई सुधा? सुधा आ रही हूं। सुधा कहाँ, कहाँ हो तुम? सुधा, सुधा, we
कौन 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 हो तुम? नहीं नहीं गौरव, तुमने अपनी आंखों की पट्टी क्यों उतारी? गौरव गौरव गौरव, जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि तुम कहां जा रहे हो, मैं तुम्हें इस घर के बाहर एक कदम नहीं रखने दूंगी। ओ, खाम खा परेशान हो रही हो तुम। अरे आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, और कौन सा अकेले जा रहा हूँ, अविनाश है ना मेरे साथ। हाँ भाभी मैं हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रही हो? अब मैं पूरे टाइम गौरव के साथ ही रहूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। प्लीज भाई साहब इनका ख्याल रखिएगा, आंखें तो इन्होंने खो ही दी है, अब मैं इन्हें नहीं खोना चाहती। हमारा साथ सात जन्मों का नहीं है, 700 जन्मों का है। अच्छा जाओ वो काला चश्मा ले आओ। काला चश्मा, वो काला चश्मा ही सारे फसाद की जड़ है। गौरव गौरव मेरा यकीन मानो, मेरा दिल कह रहा है कि ये सब कुछ काले चश्मे की वजह से ही शुरू हुआ है। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा बाबा मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद वो तुम्हें चश्मा इस घर में नजर नहीं आएगा कर। अभी तो दे दो। ठीक है मैं लाती हूं। अविनाश तू घर जा, मैं आ जाऊंगा अपने आप। नहीं गौरव, अब चाहे जो हो जाए मैं तेरे साथ ही चलूंगा। अविनाश जिद मत कर, ये लड़ाई मैंने शुरू की और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा अकेले। पर गौरव तू जा अविनाश, मैं ठीक हूं। दे चुके हो मुझे तुम, वो भी एक छोटे से गुनाह के लिए। जब गुनाह किया है तो फिर अनजान से क्यों डरते हो? तुम? हाँ मैं। चार कदम आगे चलकर आओ, वहां एक बेंच, वहीं बैठ कर बातें करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तो तुम्हें ये चश्मा लौटाने आया। ये चश्मा श्राप है, श्राप। इसने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया। ठीक कहा तुमने, इस सब की शुरुआत कई साल पहले उस मनुष्य दिन से हुई थी। Thank you.
कौन है आप लोग? ये चाकू की धार इतनी तेज है कि तेरी गर्दन झेल नहीं पाएगी मालिकल। मैं सब 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 देता हूँ आपको, लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ मत करना। जल्दी कर। ये क्या? ये कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है। अबे कुछ नहीं है। ये यही काट डालूंगा। काला चश्मा। ला ये चश्मा मैं रखता हूँ। मैं नहीं दूंगा। पर कड़ी बे चोरियां करनी पड़ती हम लोगों को। ये मेरी 12 साल की बेटी ने इसको मुझे गिफ्ट किया। मैं इसे नहीं दूंगा। तू ये हमें गिफ्ट कर देना। देखिए आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगा आपको। मेरा श्राप लगेगा आप लोगों को। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तुम लोग बहुत पछताओगे। बहुत पछताओगे। मैं बता रहा हूँ तुमको। बदवा देता है। बदवा होगा। बद्दुआ देने लायक रहेगा तब तू बद्दुआ देगा ना। मच्छर कहेगा। इस बार बहुत तगड़ा आ रहा है यार। सही बोला भाई। एक महीने के लिए आराम नहीं आ रहा। नहीं आधा तेरा चलेगा। भाई लग रहा है ना अपुन हीरो। अरे बकिया तू तो हीरो लग रहा है यार। लगा ना सच्ची हीरो। हाँ चल अब ये मेरी बारी है। कैसा लग रहा हो भाई? भाई मेरी आंखें। भाई भाई मुझे दर्द हो रहा है। भाई भाई मेरी आंखें बहुत जल रही है। भाई क्या हो गया यार? मेरी आंखें जल रही है भाई। अरे तेरे आंखों से तो खून निकल रहा है यार। अरे भाई मेरी आंखों से खून निकल रहा है यार। भाई मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। चश्मा पहनता है वो अंधा हो जाता है। हाँ तुमने ये चश्मा मुझसे चुराया और उस आदमी की बद्दुआ अपने सर ले ली। और जो मुझे अंधे लोग दिखाई दिए इस चश्मा पहनने के बाद, उन सब ने भी किसी ना किसी से ये चश्मा चुरा के उस आदमी की बद्दुआ अपने सर ले ली थी। कोई तरीका नहीं है इस चश्मे से छुटकारा पाने का? नहीं, ना तो तुम इस चश्मे को तोड़ सकते हो और ना ही किसी और को दे सकते हो। जब तक ये चश्मा तुमसे कोई चुरा नहीं लेता, इस चश्मे का श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। मगर नंदू ने तो ये चश्मा चुराया नहीं था, फिर उसकी मौत कैसे हो? किस्मत खराब थी उस बेचारे की कि वो तुम्हारे और तुम्हारे श्राप के बीच आ गया। बेचारा बेमौत मारा गया। इतना सब कुछ तुम कैसे जानते हो? जिस आदमी से मैंने चश्मा चुराया था उसने मुझे बताया था। ओ। अच्छा ये अपना चश्मा पकड़ो। तुम्हारा चश्मा मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूं। मुझे मुक्ति चाहिए इस चश्मे से, इस बद्दुआ से। तुम्हें इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों?
क्यों नहीं मिलेगी? चुराई हुई चीज मैं वापस लौटा रहा हूं, अब मैं गुनहगार नहीं हूं। तुमने मुझे चुराई हुई चीज नहीं बल्कि दूसरी चीज वापस लौटाई, ये वो चश्मा नहीं। क्या, ये कैसे हो सकता है? कहीं वो चश्मा तुमसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया? सुधा, हे भगवान, अब ये कहीं शराब उसे तो नहीं लग जाएगा? आखिर ऐसा क्या है इस चश्मे में? जब से ये इस घर में आया है हम दोनों की जिंदगी में तूफान मचा दिया। तुमने मेरे गौरव की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी आंखें छीन ली। अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें उसके पास दोबारा नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इस चश्मे को तोड़ कर ही रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चुराकर तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, 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 नहीं। ठीक नहीं किया, मेरी आफत अपने सिर ले ली। कौन सी आफत गौरव? यार आखिर ये सब चक्कर क्या है? जल्दी चल यार, उसकी जान खतरे में। क्या रुक क्यों गया गौरव? ये सुधा भाभी सड़क पर? सुधा, सुधा कहाँ हो तुम? सुधा, गौरव कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। गौरव, गौरव, मेरी आंखें, गौरव मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या क्या हुआ तुम्हारी, क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुधा, तुमने वो चश्मा मुझे क्यों नहीं दिया? और अब तुम्हें बचाने के लिए। सुधा, मुझे बचाने के खातिर तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी?
Oh, my God.